बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ड्रेस मेकर। वक्त होता है सन 1926 का, जहां हमें ऑस्ट्रेलिया के भीड़ में एक छोटे से टाउन को दिखाया जाता है। इस टाउन में बहुत कम लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों में होती है 10 साल की मिटल, जो यहां अपनी मॉम मॉली के साथ रहती है। और इस पूरे टाउन में ना तो मिटल को और ना ही उसकी मॉम को कोई पसंद करता है। सब मिटल को स्कूल में बुली करते हैं, उसे उल्टा सीधा कहते हैं। यहाँ तक कि टाउन के जो बड़े लोग होते हैं वो भी मात्र 10 साल की मिटल को पसंद नहीं करते। और एक दिन मिटल की क्लास में एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसकी मौत का इल्जाम आता है मिटल के ऊपर। सबका यही मानना है कि मिटल ने उस बच्चे को मारा है। इसीलिए टाउन में जितने भी लोग होते हैं वो सब यही चाहते हैं कि मिटल को सजा दी जाए। इस टाउन के जो पुलिस सार्जेंट है वो मिटल को सजा के तौर पर हमेशा के लिए यहाँ से दूर किसी दूसरी सिटी में भेज देते हैं। 25 साल बीत जाते हैं और साल आता है सन 1991 का। मिटल एक बार फिर से अपने टाउन में वापस आ चुकी है। उसे अपने बचपन की धुंधली धुंधली यादें हैं। सबसे पहले वो अपने घर में जाती है, जहां उसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी मॉम मौली भी वहीं पर है। दरअसल मिटल के जाने के बाद उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो मेंटली अब पूरी तरह से अनस्टेबल है। मिटल अपनी मॉम को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उनकी बेटी है, लेकिन उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं आता। इससे मिटल को बहुत दुख होता है और अब उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। दरअसल उसका घर टाउन से थोड़ा सा अलग थलग होता है और अब मिटल अपने घर की सफाई करती है, अपनी मॉम को अच्छे से साफ करती है और घर के बाहर अपनी मशीन भी लगाती है, क्योंकि वो ड्रेस मेकर है और ड्रेसेस बनाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि टाउन के लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, पर उसकी मॉम इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दरअसल वो कभी चाहती नहीं थी कि उसकी बेटी वापस इस टाउन में आए, पर अब मिटल वापस टाउन में आ चुकी है। टाउन की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही टाउन के लोगों को पता चल चुका है कि मिटल वापस आ चुकी है, जिससे कोई भी खुश नहीं होता। अब इसी टाउन का दूसरे टाउन वालों के साथ फुटबॉल मैच चल रहा होता है और वहां पर मिटल भी जाती है, जिसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है। और उसकी ड्रेस से यहाँ पर इस टाउन के जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो सबके सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और तभी इस टाउन की टीम का जो कैप्टन होता है वो मिटल के पास आता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे यहाँ पर खड़े होने से सभी प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मिटल उसकी बात मान जाती है और वो वहां से एक दूसरे कॉर्नर पर जाती है, जहां पर एक लड़की खड़ी होती है जो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होती। इस लड़की का नाम गर्ट्रूड है। मिटल बचपन में इसी के साथ इसी की क्लास में पढ़ती थी। और यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और ये वो दिन होता है जब उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, जिसकी मृत्यु का इल्जाम मिटल के ऊपर लगा था। दरअसल मिटल उस दिन उस बच्चे से बचकर भाग रही थी, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। मिटल छुप जाती है, लेकिन तभी वहां पर गर्ट्रूड ने मिटल को देख लिया और वो उस बच्चे को बता देती है कि मिटल कहां पर छुपी हुई है। इसीलिए बच्चा मिटल को पकड़ लेता है। गर्ट्रूड वहां से चली जाती है, यानी कि जब उस बच्चे की मृत्यु हुई थी तो गर्ट्रूड वहां पर नहीं थी। और अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर मिटल गर्ट्रूड को कहती है कि एक अच्छी ड्रेस सब कुछ बदल सकती है। दरअसल वो भी सुंदर दिखना चाहती है, साथ ही वो एक लड़के को पसंद भी करती है, लेकिन वो लड़का उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और अब मिटल अपनी ड्रेस चेंज करके आती है। इस बार वो ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनती है और अब वो एक बार फिर से उस जगह जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अब प्लेयर्स की पोजीशंस चेंज हो चुकी होती है। इसीलिए वो उन प्लेयर्स की नजरों के सामने होती है जो दूसरे टाउन के प्लेयर्स हैं, और अब वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये टाउन जहां मिटल रहती है इस टाउन की टीम मैच जीत जाती है। इसके बाद मिटल अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर उसकी मॉम को अब बहुत कुछ याद आ चुका है। और वो मिटल से कहती है कि बचपन में जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी उस बच्चे की मृत्यु गर्दन पर चोट लगने की वजह से हुई थी और इसकी जिम्मेदार तुम थी। मिटल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती और तभी वहां पर गर्ट्रूड आती है। वो मिटल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनाओ। मिटल कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि बचपन में जब मैं उस लड़के से छुप रही थी जिसकी मृत्यु हुई, उस दिन उस वक्त तुमने उसे बताया था कि मैं कहां पर छुपी हुई हूँ। गर्ट्रूड एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उसी ने उस लड़के को बताया था। और अब मिटल उसके लिए ड्रेस बनाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल गर्ट्रूड को आने वाले फुटबॉलर्स के डांस के लिए इस ड्रेस की जरूरत होती है। मिटल इसके बाद उस जगह भी जाती है जहां पर बचपन में उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सार्जेंट को। ये वही सार्जेंट है जिसने बचपन
बचपन में मिटल को हमेशा के लिए इस टाउन से दूर भेज दिया था और ये मिटल के पास आता है। दरअसल सार्जेंट के पास एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा होता है और उसे मिटल की तरह ड्रेस डिजाइन करने का, कपड़े बनाने का शौक है। मिटल ये बात पहले से जानती थी। सार्जेंट मिटल को बताता है कि मैं तुम्हें टाउन से दूर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी उसके पिता टाउन के काउंसलर है, उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए प्रेशराइज किया, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजूं। और अब इन दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवा होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं फुटबॉलर्स के डांस की रात को दिखाया जाता है कि गर्टरूड वो ड्रेस पहन कर जाती है जो उसके लिए मिटल ने बनाई है और वो लड़का जिसे वो पसंद करती है वो उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल इस ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वहीं मिटल को दिखाया जाता है जो फुटबॉल कैप्टन टेडी के साथ अपनी मॉम को लेकर फिल्म देखने के लिए जाती है और बातों ही बातों में टेडी को बताती है कि जल्दी वो अपनी मॉम को लेकर इस टाउन से हमेशा के लिए चली जाएगी। टेडी कहता है तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि टेडी उसे पसंद करता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिटल के पास टाउन की बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिन्होंने रात को गर्टरूड को उस खूबसूरत ड्रेस में देखा था और अब वो सब भी मिटल से अपनी ड्रेसेस बनवाना चाहती हैं। जल्दी मिटल पूरे टाउन में फेमस हो जाती है, हर कोई उसी से ड्रेस बनवाता है। और यहाँ पर काउंसलर जिसके बच्चे की बचपन में मृत्यु हुई थी वो इस बात से जेलस हो जाता है, इसीलिए टाउन में वो एक प्रोफेशनल ड्रेस मेकर को बुलाता है जिसका नाम ऊना होता है। ऊना मिटल से मिलते उसकी ड्रेसेस देखती है लेकिन ऊना को उसकी ड्रेसेस को ज्यादा अच्छी नहीं लगती। वहीं टेडी मिटल को बता देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है पर मिटल उसे कहती है कि मैं एक श्रापित लड़की हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। दरअसल वो नहीं चाहती कि वो किसी के भी करीब जाए। और अब गर्टरूड की उस लड़की से एंगेजमेंट होने वाली होती है जिसे वो पसंद करती थी और ऊना उसके लिए ड्रेस डिजाइन करती है जो गर्टरूड को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो मिटल के पास आती है और मिटल उसके लिए एक बहुत ही शानदार ड्रेस डिजाइन करती जो सब देखते रह जाते हैं। ऊना के आने से मिटल की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हो गई थी, लोग उससे ड्रेसेस नहीं बनवा रहे थे पर अब एक बार फिर से सब उसके कायल हो गए। वहीं काउंसलर की पत्नी जो देखती है काउंसलर का इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है, वो मिटल के पास अपनी ड्रेस डिजाइन करवाने के लिए आती है। दरअसल वो शुरू से ही मानती है कि मिटल उसके बेटे की मौत का कारण नहीं है, वो ऊपर पेड़ से नीचे गिरने की वजह से मारा गया था। और अब वो मिटल से कहती है कि तुम मेरे लिए एक ड्रेस बनाओ। वही मिटल चाहती है कि बचपन में जो इल्जाम उसके सर पर लगा था उसे वो पूरी तरह से मिटा दे, इसीलिए वो सार्जेंट के पास जाती है और उस बच्चे की केस की फाइल मांगती है जिसमें वो देखती है कि टीचर ने उसके खिलाफ गवाही दी है। वो अपनी टीचर के घर जाती है और उसकी गवाही पढ़कर उसे सुनाती है। यहाँ पर टीचर को मजबूरन ये बताना पड़ता है कि जिस वक्त उस बच्चे की मृत्यु हुई थी वो वहां पर नहीं थी, यानी कि उसने झूठी गवाही दी है। और अब मिटल यहाँ से सीधा उस जगह जाती है जहाँ पर गर्टरूड की एंगेजमेंट हो रही होती है, वहाँ पर सार्जेंट होता है। वो सार्जेंट से कहती है कि एक झूठी गवाही के बेस पर तुमने मुझे यहाँ से हमेशा के लिए दूर भेज दिया। सार्जेंट कहता है कि मुझे काउंसलर ने कहा था। वो कहती है कि काउंसलर ने मुझे किस हक से यहाँ से दूर भिजवाया। सार्जेंट उसे बताता है कि वो तुम्हारा पिता है। ये सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी काउंसलर की बीवी वहाँ पर आकर मिटल को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है क्योंकि मिटल की जो टीचर है जिसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी उसने काउंसलर की पत्नी के दिमाग में डाल दिया होता है कि मिटल ने उसके बेटे को मारा है। अब काउंसलर अपनी वाइफ को संभालते हुए मिटल को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है जिससे टेडी को गुस्सा आता है। टेडी उसे एक पंच मारता है लेकिन यहाँ पर पुराने जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। टाउन के लोग एक बार फिर से मिटल से नफरत करना शुरू कर देते हैं। मिटल वहां से भागने लगती है और तभी टेडी का भाई जो कि मेंटली डिसेबल्ड होता है, जो बचपन में उसी जगह था जहां पर उस बच्चे की मृत्यु हुई थी, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मिटल ने किसी को नहीं मारा, बस वो अपनी जगह से हट गई थी। और अब टेडी मिटल के पास आता है और उसे उसी जगह ले जाता है जहां पर बचपन में उस बच्चे की मृत्यु हुई थी। यहां पर मिटल को सब याद आ जाता है कि काउंसलर के बेटे ने उसे दीवार के साथ खड़े रहने के लिए कहा था और कहा था कि अगर वो वहां से हिली तो वो उसकी मॉम को मार देगा। और इसके बाद काउंसलर का बेटा बुल की तरह उसे हिट करने के लिए आगे बढ़ा पर इससे पहले कि वो उसे हिट करता वो वहां से हट गई थी जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। टेडी का भाई जो बचपन से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था उसने दूर से दूरबीन से सब कुछ देख लिया था पर उसने किसी
किसी को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, सब उसे पागल समझते हैं। पर अब यहाँ पर मिटल को सब याद आ चुका है। टेडी और मिटल जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टेडी कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिटल कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं श्रापित हूँ। टेडी कहता है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, ये दोनों के दोनों साइलो के ऊपर होते हैं। टेडी ये साबित करने के लिए कि वो श्रापित नहीं है, साइलो जिसके अंदर ग्रेन्स रखा जाता है उसके अंदर जंप करता, हालांकि वो उसे मना भी करती है लेकिन टेडी उसकी बात नहीं सुनता। वो पूरी तरह से ग्रेन से भरा होता है, इसीलिए उसमें फंसकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर एक बार फिर से मिटल पूरी तरह से हताश हो जाती है। और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी मॉम मॉली उसके पास आती है और बताती है कि काउंसलर पहले उसी के साथ रहा करता था और उसने दूसरी शादी कर ली जो कि बहुत ही अमीर औरत थी, उसके पास पावर थी, इसीलिए वो मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गया और वो मुझसे नफरत करने लगा, इसीलिए उसने तुम्हें टाउन से दूर भेज दिया था ताकि वो मुझसे बदला ले सके। टाउन के सभी लोग इसके जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उसका साथ दिया। तुम्हारे अंदर जो आर्ट है, तुम इस आर्ट को टाउन के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। और मिटल को समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी आर्ट को सबके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। वही अगले दिन दिखाया जाता है जहां पर मिटल की मॉम को हार्ट अटैक आता और उनकी मृत्यु हो जाती है। अपनी मॉम की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट गई है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रात को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, इसीलिए वो अपना म्यूजिक प्लेयर उठाकर बाहर फेंक देती है जो उसकी क्लास टीचर के सिर पर लगता है जिसने बचपन में उसके खिलाफ गवाही दी थी। दरअसल वो उसके घर में ताक झांक कर रही थी, यानी कि उसके झूठ की सजा उसे मिल गई। सार्जेंट इसके बाद उसे मालबर्न सेनेटोरियम में भेज देता है। वहीं हमें टाउन में एक केमिस्ट को दिखाया जाता है जो हमेशा अपनी पत्नी पर जुल्म करता था। उसकी मृत्यु उस वक्त हो जाती है जब उसकी पत्नी उन ब्राउनीज को खा रही थी जो मिटल की मॉम ने उसे दी थी। दरअसल उसमें भांग थी ताकि वो ब्राउनीज खाने के बाद उसका दर्द कम हो सके। और अब टाउन के सभी लोगों को पता चल जाता है कि ब्राउनी की वजह से उस केमिस्ट की मृत्यु हुई है। अगर उसकी पत्नी उन ब्राउनीज को ना खा रही होती तो वो बच सकता था। और इसका पूरा का पूरा इल्जाम मिटल और उसकी मॉम पर आता है। और यहाँ पर सार्जेंट जो कि मिटल का एक अच्छा दोस्त है, वो सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि उसने वो नशे वाली ब्राउनी उसे दी थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब मिटल यहाँ काउंसलर की पत्नी के पास जाती है और उसे पूरा सच बता देती है कि किस तरह से उसका पति एक कैरेक्टरलेस इंसान है, किस तरह से वो उसे धोखा देता है। इसीलिए काउंसलर जब घर आता है तो उसकी पत्नी उसके पैर को जख्मी कर देती है और वहां उसे मरता हुआ छोड़कर निकल जाती है। और इस टाउन की जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो एक ड्रामा ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए गई होती हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि दूसरी जो टीम है उनकी ड्रेस और किसी ने नहीं बल्कि मिटल ने बनाई है। और ऐसा करने के लिए मिटल की मॉम ने उसे कहा था, जिस वजह से इस टाउन के लोग उस कॉम्पिटिशन को हार जाते हैं। वही मिटल को अपने घर पर दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। उसे यकीन हो चुका है कि वो कोई श्रापित लड़की नहीं है, इसीलिए वो अपने घर के बाहर एक रेड कारपेट बिछाती है और उसमें ऑयल डालकर सबसे पहले अपने घर को जलाती है और उस रेड कारपेट से होते हुए इस टाउन से निकल जाती है। मिटल के घर की आग धीरे धीरे पूरे टाउन में फैल जाती है जिससे पूरा का पूरा टाउन जल जाता है। और जब टाउन के लोग उस कॉम्पिटिशन को हार कर वापस अपने टाउन में आते हैं तो देखते हैं कि उनका टाउन जल रहा है। ट्रेन में हमें मिटल को दिखाया जाता है जो हमेशा के लिए अब पेरिस जा रही है और वो इस जलते हुए टाउन के धुएं को देख रही होती है। और इस तरह से मिटल जो हमेशा से बेगुनाह थी वो अपना बदला पूरे टाउन से ले लेती है। यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।